हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय सेनाओं के चर्चित ऑपरेशन और अभियान के बारे में। आगामी परीक्षा जैसे रेलवे SSC, PSC, UP SSSC, पुलिस, लेखपाल एंड ऑल वन डे एग्जामिनेशंस, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल कम समय में आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आप पहली विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। देखिए, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ओलिव रिडले कछुओं को बचाना। देखिए, माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि भारतीय तटरक्षक बल और कछुओं से क्या संबंध है। कहने का मतलब है कि जब पानी में बड़े बड़े जलपोत जब चलते हैं तो कछुए से टकरा जाते हैं, कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो भारतीय तटरक्षक बल इस ऑपरेशन के थ्रू एक जागरूकता शो करना चाहता है कि मतलब ऐसा करके हम कछुओं की जान बचा सकते हैं। दोनों को रिलेटेड है, ओलिव रिडले कछुआ और ऑपरेशन का नाम भी है ओलिविया, तो ऐसा करके हम इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात कर लें यदि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, देखिए इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई थी। देखिए, तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी, पर यह अपना स्थापना दिवस प्रत्येक 1 फरवरी को मनाता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो हैं के नटराजन यानी कृष्णमूर्ति नटराजन। और इसका जो मोटो है वो है वयम रक्षामा, यदि इंग्लिश में इसे बोले वी प्रोटेक्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG जो है वो नूपुर कुलश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन बंदर। फरवरी 2019 में भारतीय सेना में भारतीय सीमा में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान घुस आए थे, जिन्हें वापस खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बंदर शुरू किया गया था। हालांकि इस दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान क्रैश भी हो गया था और वो POK पाकिस्तान के क्षेत्र में गिर गए थे, जहां से इन्हें पाकिस्तानी फौज द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कुछ समय बाद इन्हें वापस भी कर दिया गया। इसी वीरता और अदम्य साहस के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, वीर चक्र पुरस्कार अपने वरीयता क्रम में तीसरे क्रम का है। दूसरे क्रम का जो है वो है महावीर और जो पहले क्रम का मतलब सर्वोच्च जो है वो है परमवीर। अब बात कर लें यदि भारतीय वायुसेना की, देखिए भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अगस्त 1932 में हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए, एक कॉमन सी बात बता दूं, जब भी हमें कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें हेडक्वार्टर नहीं आता है, तो भारत के संबंध में अधिकतर हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, तो अगर तुक्का लगाने की बारी हो तो कहीं अच्छा होगा कि हम किसी और ऑप्शन को चुनने के बजाय दिल्ली को ही चुन लें। हर समय तो नहीं, पर जब हमें एकदम क्वेश्चन ना आ रहा हो उस समय मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप नई दिल्ली ही सिलेक्ट करिए। हम लोग बात कर रहे थे एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की, तो इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। वर्तमान में एयर सेना के जो सॉरी मैं एयर सेना बोल रहा हूँ
वायुसेना के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वह है वी आर चौधरी। देखिए वी आर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी ये वर्तमान में 27वें प्रमुख हैं। अभी हाल ही में वी आर चौधरी इजिप्ट यानी मिस्र की यात्रा पर गए थे। मिस्र की राजधानी काहिरा है और इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। भारतीय वायुसेना का जो मोटो है ना वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो गीता है इसके 11वें अध्याय से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चर्चे में था? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। जब कोविड-19 महामारी के दौरान अलग अलग देशों में हमारे देश के प्रवासी नागरिक जब फंस गए थे तो उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस ले आने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए इसमें मोस्ट बात यह है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु तो भारतीयों को वापस लाने के लिए था, पर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किस लिए चलाया गया था? तो देखिए जब सेकेंड वेव जब आई थी तो हम सभी लोग जानते हैं उस समय देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, तो दूसरी जगह से ऑक्सीजन के आयात के लिए आयात के मतलब तेजी से शिपमेंट के लिए ये अभियान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। मेडागास्कर में मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना का ही एक ऑपरेशन ऑपरेशन वनीला था, इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इससे पहले एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया था, नौसेना की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वैसे तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी, पर इसका पुनर्गठन भी किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस सॉरी भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। जो इसका हेडक्वार्टर है वह 3 जगह में स्थित है यानी 3 भागों में बंटा हुआ है, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं, ये 25वें क्रम के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन देवी शक्ति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान में फंसे प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस ले आना। अभी हाल ही में चर्चा की घटना है अफगानिस्तान में तालिबानियों के आतंकी हमले के दौरान, जब वहां पर भारतीय फंस गए थे तो उन्हें वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई थी। देखिए ये तालिबानियों के आतंकी हमले से आहत होकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। हालांकि अब वहां नए राष्ट्र प्रमुख घोषित भी किए जा चुके हैं, उनका नाम है मोहम्मद अखुंद। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का चर्चे में है और भारत के 2 बांध सहतूत और सलमा, ये दोनों बांध भारत के द्वारा अफगानिस्तान में निर्माण किए गए थे और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षित टिकट कालाबाजारी को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन थंडर। देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। ये बात लगभग जून 2019 की है। अब बात कर लें आरपीएफ की, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नया नाम भी बदल दिया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया नाम रेलवे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। आरपीएफ की स्थापना 1872 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने आपको बताया नई दिल्ली में है।
और इसके जो प्रमुख हैं अरुण कुमार। देखिए जो ऑपरेशन थ्रस्ट है ना, वो भी आरबीएफ के द्वारा ही चलाया गया था। इसका सीधा उद्देश्य था क्या कि जो पानी की बोतलें हैं जो रेलवे के द्वारा दी जाती हैं, कई बार क्या होता है ना कि ये जो बोतलें होती हैं वो अनाधिकृत ब्रांड वाली होती हैं, यानी बेकार होती हैं, तो इन्हें जब्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट की शुरुआत की गई थी। ये ऑपरेशन जो मिशन सागर यानी सागर मिशन है, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में अभी हाल ही में भारत के द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाया गया है। इसमें भारत का INS केसरी शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों ये थे हम लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट अभियान और चक्रवात से ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और देखिए आप अपना एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि इसकी हमें हमेशा और सख्त ज़रूरत है। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये सभी इसके ऑप्शंस हैं। उत्तर आप विस्तार से कमेंट बॉक्स में लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह आज का ये अंक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।